समाजवादी पार्टी और पिता पुत्र में चल रही खींचतान के बीच बेटे अखिलेश यादव की जीत हुई है। चुनाव आयोग ने अखिलेश गुट को ही असली समाजवादी पार्टी माना है और अखिलेश को पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल मिल गया है। संगठन में 50% से ज्यादा पदाधिकारियों के बहुमत के आधार पर फैसला देते हुए चुनाव आयोग ने अखिलेश के पक्ष में फैसला दिया है। चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह पर फैसला आने के बाद अब मुख्यमंत्री लखनऊ में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट और मैनिफेस्टो जारी करेंगे। इस दौरान महागठबंधन के फैसले पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रही थी और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई लेकिन पार्टी एक तरफा एक तरफ थी। वो दो एक दिन के अंदर प्रत्याशियों की सूची पहले दो फेज की तो जारी हो ही जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोगों को यही निश्चय नहीं था कि क्या होगा, तो इसमें एक दो दिन लग जाएगा लेकिन वो हो जाएगा। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद अखिलेश के पक्ष में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। जो संशय की स्थिति लोगों ने पैदा कर दी थी, सबके षड्यंत्र फेल हो गए और निश्चित तौर पे ये सिर्फ सिंबल की नहीं, समाजवादी पार्टी की 2017 में चुनाव में जीत की सुनिश्चितता है। और युवा, नौजवान, महिलाएं सबके लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और वैसे ही जैसे ही जी जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में। बता दें कि मुलायम और अखिलेश दोनों खेमे ने चुनाव आयोग में अपनी अपनी अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आयोग ने फैसला अखिलेश के हक में दिया। चुनाव आयोग के अखिलेश यादव के हक में फैसला देने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अखिलेश को बधाई दी है और कहा है कि मुलायम सिंह को अखिलेश को आशीर्वाद देना चाहिए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए हम बधाई देते हैं अखिलेश जी को और हम अपील करते हैं नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, कि ये देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। आपका कथन आप बार बार बोलते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी है, आप ही की पार्टी है और आपने बनाया है, और अब आगे झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए। फिरका प्रस्तावते सर उठा के वहाँ खड़ी है और ये टूट का फायदा लेना चाहते थे लोग। अब नेताजी से मेरा अपील है कि आप अब एक क्षण भी मत देर करें और अखिलेश को, आपकी पार्टी बच गई, अखिलेश को आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी ने यूपी में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी के लिए 149 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए मंगलवार को पार्टी की फिर से बैठक होगी। यूपी के नोएडा, साहिबाबाद और कैराना के लिए पार्टी ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। नड्डा ने कहा कि चुनावों के बाद विधानसभा के नेता का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश के 149 नेम्स इंक्लूडिंग द MLAs ये तय हुए हैं और बाकी कल फिर से हमारी बैठक होगी, जिसमें चुनाव समिति में, जिसमें बाकी नामों पर चर्चा होगी। यूपी में पहले चरण की वोटिंग 11 और दूसरे चरण की वोटिंग 15 फरवरी को होनी है। दोनों ही चरणों में वोटिंग वेस्ट यूपी के साथ रुहेलखंड के कुछ जिलों की सीटों पर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी के साथ ही सूबे में बीजेपी आलाकमान का विरोध भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट, कांग्रेस से बीजेपी में आए सतपाल महाराज और हरक सिंह, बीजेपी के झारखंड प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह के नाम शामिल हैं। पुरोला रिजर्व सीट है, श्री मालचंद ये MLA हैं वहाँ से, यमुनोत्री श्री केदार सिंह रावत ये XML हैं वहाँ से, गंगोत्री श्री गोपाल सिंह रावत XML हैं वहाँ से, बद्रीनाथ श्री महेंद्र भट्ट XML हैं, थराली ये रिजर्व सीट है श्री मगनलाल शाह, कर्णप्रयाग श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत ये प्रेजेंटली वहाँ से MLA हैं, रुद्रप्रयाग श्री भरत चौधरी, घनसाली ये सीट है श्री शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग श्री विनोद कंधारी,
नरेंद्र नगर श्री सुबोध उनियाल एमएलए हैं, प्रताप नगर श्री विजय सिंह पवार एक्स एमएलए हैं, टेहरी श्री धन सिंह नेगी, धनोल्टी श्री नारायण सिंह राणा एक्स एमएलसी, सहसपुर श्री सहदेव पुंडीर एमएलए। उधर बीजेपी की लिस्ट के ऐलान के बाद उत्तराखंड में कई जगहों पर विरोध शुरू हो गया है। रुड़की में पूर्व विधायक सुरेश जैन के आवास के बाहर भीड़ जमा हुई और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बागी विधायक प्रदीप बत्रा को बीजेपी से टिकट दिए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आज जारी हुई लिस्ट में 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी ने इससे पहले अपनी पहली लिस्ट में 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। दोनों लिस्ट को जोड़कर बीजेपी अब तक 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब सिर्फ 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी रह गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि केंद्र की नीतियां जन विरोधी हैं और मोदी जी ने नोटबंदी के फैसले से एक मिनट में इतने बड़े संस्थान यानी आरबीआई की हत्या कर दी। राहुल ने कहा कि वो 7-8 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया कि बीजेपी आरएसएस कांग्रेस को क्यों खत्म करना चाहती है। राहुल ने ये भी कहा कि नागपुर के आरएसएस दफ्तर में आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। राहुल ने कहा तिरंगे के लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी। वहीं खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर से गांधी जी की फोटो हटाए जाने को लेकर राहुल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसने तिरंगे के लिए सीने पर गोली खाई उनकी ही फोटो कैलेंडर से हटा दी गई। कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने 40 साल कांग्रेस की सेवा की और ये मेरी घर वापसी है। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। I've just come back to my roots. मेरी ये घर वापसी है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को कुर्सी खाली करनी होगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास जल्द ही हो जाएगा। ये जो ताड़वी हैं बाहर से आए हैं, कोई दिल्ली से आया, कोई पटियाले से आया, उनको पता कि ये तो मिलेंगे नहीं, ये तो मौसमी बटेरे हैं, आए चले गए। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश बढ़ रहा है और वो उस पार्टी में गए हैं तो ये उनका फैसला है, जल्द उनको अपने फैसले का आभास होगा। सिद्धू ने कहा कि मैं तो पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है, पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई है। बता दें कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले साल जुलाई में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की भी खबरें थी, लेकिन बात नहीं बनी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता यशपाल आर्या ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में अमित शाह, विजय बहुगुणा और कोश्यारी की मौजूदगी में यशपाल आर्य ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य ने कहा कि वो पीएम मोदी और अमित शाह की नीतियों से काफी प्रभावित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी के की नीतियों से प्रभावित होकर और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, चौमुखी विकास हो, समग्र विकास हो और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सक्षम है। मैं निश्चित रूप से प्रभावित हुआ हूँ आज, इसलिए मैंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर, त्याग पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी की मैं सम्मिलित हुआ हूँ। बता दें कि पहले भी विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेता बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। उत्तराखंड में कोटद्वार विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर बीजेपी में विरोध शुरू हो गया है। हरक सिंह रावत का कोटद्वार से टिकट पक्का होने की खबरों के बीच पूर्व बीजेपी विधायक शैलेंद्र रावत के समर्थकों ने बैठक की और कहा कि कोटद्वार में शैलेंद्र रावत के अलावा किसी दूसरे नेता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शैलेंद्र रावत समर्थकों ने आरोप लगाया कि साल 2012 की तरह ही एक बार फिर उसके नेता को साजिशन फंसाया जा रहा है। कोटद्वार विधानसभा के साथ जो हमारे पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत है, उन्हीं के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है? उनकी पिछली बार भी राजनीतिक हत्या की गई, उनको साजिश के तहत हटाया गया और दोबारा वही साजिश को दोहराया जा रहा है। आपको बता देंगे कोटद्वार विधानसभा सीट पर हार की वजह से ही बीजेपी पिछली बार सरकार नहीं बना पाई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को हार का मुंह देखना पड़ा था।
बिहार के सबलपुर दियारा में हुए नाव हादसे के दो दिन बाद सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर सफाई दी। सीएम ने माना कि पर्यटन विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई। सीएम नीतीश ने कहा कि तीन स्तर पर लापरवाही बरती गई, जहां लापरवाही बढ़ती जाती है वहां दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना के लिए जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि वो हादसे पर राजनीति न करे और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करे। जो प्रशासन का सर्वोच्च स्तर है उस तक बात जानी चाहिए और उन तक बात जाएगी तो कम से कम एसओपी का पालन हुआ या नहीं हुआ इसको एंश्योर कर लेंगे और तब होगा। अगर आपके किसी आयोजन में एक साथ तीन चूक आपसे होगी तो दुर्घटना को कोई नहीं टाल सकता। फिर एक विभाग के द्वारा कोई आयोजित कार्यक्रम है, उसमें इन तमाम पहलुओं को क्या गौर किया गया? पहले से ही एक एक चीज का यहाँ पर एसओपी बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं जिसका एसओपी नहीं बना है, नाव के परिचालन से लेकर के एक एक चीज का। लेकिन फिर भी इसकी बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ जांच करने के लिए हमने कहा, न कोई चेहरा न कोई चीज सामने रहना चाहिए, पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ जांच करिए। सीएम ने कहा कि हादसे की जांच आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव और डीआईजी कर रहे हैं। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाने का फैसला लिया। बैठक में नर्मदा के किनारे 58 शराब की दुकानें बंद करने और टीवी चैनल्स पर शराब के विज्ञापन पर रोक लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। आकर्षित करने के लिए नवाचार पर आधारित उद्योग व्यवसाय सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक अंश पूंजी की आवश्यकता हेतु वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना के लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा कैबिनेट ने एक टीम बिहार और गुजरात भेजने का फैसला किया, जो वहां जाकर शराब की दुकानें बंद होने का क्या असर हुआ ये पता लगाएंगी। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ आज तमिलनाडु में लोगों ने फिर प्रदर्शन किया। पाबंदी के बावजूद तमिलनाडु में आज भी जलीकट्टू मनाया गया। मदुरई में जलीकट्टू के समर्थन में बाजार बंद रहे और लोग बैन का विरोध करने सड़कों पर उतरे। ग्रामीणों ने प्रार्थना के बाद प्रतीकात्मक तौर पर जलीकट्टू मनाया और विरोध में काली रंगोली बनाई। बैन पर विरोध के बीच लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि जलीकट्टू का आयोजन पोंगल के दौरान यानी जनवरी महीने में हर साल होता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर पाबंदी लगाई थी। बाद में केंद्र ने 2011 के एक नोटिफिकेशन में फेरबदल कर जलीकट्टू को मंजूरी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाकर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के बैन के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि राज्य में हर कोई ये खेल चाहता है, लिहाजा लोकतंत्र में लोगों की इच्छा का ख्याल रखना सरकार की प्राथमिकता है। जीएसटी की राह पर सबसे बड़ा रोड़ा, डुअल कंट्रोल पर सहमति बन गई है। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच डुअल कंट्रोल पर सहमति बन गई है। समझौते के तहत टैक्स वसूली का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होगा। 1.5 करोड़ रुपए तक के बिजनेस से 90% टैक्स वसूली का अधिकार राज्यों के पास होगा, जबकि 10% टैक्स वसूली का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस से टैक्स वसूली का अधिकार केंद्र और राज्यों के बीच 50-50% रहेगा। साथ ही अब जीएसटी 1 अप्रैल की जगह 1 जुलाई से लागू होगा। कि जो 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं, 90% का राज्य करेंगे, 10% का केंद्र करेगा, और जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं वो आधे राज्य करेगा आधे केंद्र करेगा। इतना सरल नहीं होगा 1 अप्रैल को, उद्योग को भी कुछ समय देना पड़ेगा उसके लिए तैयारी करने के लिए, और इसलिए 1 जुलाई की तारीख उसको लागू करने के लिए ज्यादा व्यवहारिक रहेगी। जीएसटी काउंसिल की 18 फरवरी को होने वाली अगली बैठक में जीएसटी कानून पर मुहर लगेगी, जिसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने एटीएम से कैश निकासी की लिमिट बढ़ा दी है। अब एटीएम से रोजाना 10,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। पहले रोजाना 4,500 रुपए निकालने की लिमिट थी, वहीं साथ में करंट अकाउंट से एक हफ्ते में 1,00,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन के बाद एटीएम से पैसे निकालने की सीमा 4,500 रुपए कर दी गई थी, लेकिन बाद में इसे 2,500 रुपए तक कर दिया गया था। 31 दिसंबर 2016 को इसे फिर रिवाइज किया गया और 1 जनवरी 2017 से लागू नियम के मुताबिक एक बार फिर ये सीमा बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रतिदिन कर दी। इसके अलावा एक हफ्ते में निकासी सीमा 24,000 रुपए तय की गई थी।
आपके पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया 24/7 की टीवी स्क्रीन अब दिल्ली प्रेस क्लब में लगाई गई है। प्रेस क्लब में टीवी स्क्रीन की औपचारिक शुरुआत के बाद जी मीडिया के रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र ने कहा कि इंडिया 24/7 यूपी उत्तराखंड समेत पूरे भारत को कवर करता है, जिससे अब प्रेस क्लब के सदस्यों को यूपी उत्तराखंड समेत देश भर की खबरें सबसे पहले मिल सकेंगी। इस दौरान रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र ने इसके लिए प्रेस क्लब के चेयरमैन को बधाई दी। मुझे कहते हुए खुशी है इजी ग्रुप का जो चैनल जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को कवर करता है 24/7 उसे यहाँ आज लगाया गया है प्रेस क्लब के सहयोग से। प्रेस क्लब के चेयरमैन को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और इस चैनल के यहाँ लगने से देश के हर पल की खबर हर शहर की खबर प्रेस क्लब के साथियों को सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।